वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर YouTube चैनल CSAT प्रिपरेशन, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग UPPSS प्री 2024 के लिए रीजनिंग के 90 डेज स्ट्रेटेजी के डे 7 का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग क्लॉक के सेकंड पार्ट को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्लॉक का पार्ट नंबर 1 कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा, वहां से चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। यह क्लास UPPSS के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्टेट PSS एग्जाम और वन डे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। देखिए अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर से आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्सेज जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो इसको प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की श्रृंखला की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोगों को समझना चाहिए। यहाँ पर एक घड़ी दिया गया, अब जब कभी भी एंगल वाले क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे बनेंगे। देखिए घड़ी में आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 है, 3 है, 6 और 9, यहाँ पे 1-2 रहेगा वो लिखा नहीं गया, आप इसको समझ लीजिएगा। अगर हम घड़ी की बात करेंगे तो घड़ी में 3 सुइयां होती, जो सबसे बड़ी सुई होती उसको हम लोग सेकंड की सुई कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहेंगे सेकंड हैंड, है ना, सेकंड हैंड इसको नाम दिया गया है, हिंदी में कहेंगे सेकंड की सुई। जो इससे छोटी सुई होती है उसको मिनट की सुई कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे मिनट हैंड, है ना, ये भी याद रखिएगा, मिनट हैंड या फिर मिनट वाली सुई। इसके अतिरिक्त जो सबसे छोटी सुई होती है उसको हम लोग घंटे की सुई कहते हैं या फिर आवर एंड नाम दिया जाता है, ठीक। अब इसमें देखिए जो सेकंड की सुई है वो सबसे तेज चलती है, मिनट की सुई उससे थोड़ी सी धीमी चलती है और घंटे की सुई सबसे धीमी चलती है, ये चीज आप सबको पता है। देखिए अब सेकंड की सुई की अगर बात करेंगे तो सेकंड की सुई घड़ी का एक पूरा चक्कर लगाने में 1 मिनट का समय लेती है। 1 मिनट में क्या करती है जो सेकंड की सुई है ये पूरा एक चक्कर लगा लेती, मतलब 360 डिग्री घूम जाती, ठीक। अभी यहां से एक कंक्लूजन निकलेगा, इसको याद रखिएगा। देखिए आपने देखा होगा ना सेकंड की सुई क्या होता है, 1 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं, तो सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। अब वहीं पर अगर मिनट की सुई की बात करेंगे तो ये एक घंटा बोलिएगा, 1 घंटा या फिर आप इसको कह सकते हैं 60 मिनट, है ना, या 60 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेती, मतलब 360 डिग्री घूम जाती है। वहीं पर अगर घंटे की सुई की बात करेंगे तो इसको एक चक्कर पूरा लगाने में 12 घंटे का समय लगता है। मान लीजिए दोपहर में 12 बजे था, फिर रात को 12 बजेगा तब ये एक चक्कर पूरा लगाएगी, मतलब ये 12 घंटे में क्या करती है और 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 1 मिनट में 360 डिग्री चल रही है। अगर इसके चाल की बात करेंगे तो आपने फार्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो अगर दूरी बटे समय के हिसाब से आप सेट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, 1 सेकंड में 6 डिग्री, है ना। देखिए यहाँ से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, 1 सेकंड कैसे निकल के आया, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री चलेगी, इसको आप याद रखिएगा, आगे कई जगह काम आएगा। यहीं पर अगर घंटे वाली सुई की बात कर मिनट वाली सुई की बात करेंगे, देखिए एक घंटा कहने का मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट में कितना चल रही, 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, 1 मिनट में चलेगी 6 डिग्री, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए जो घंटे वाली सुई है, अब घंटे वाली सुई की बात करते हैं, देखिए 12 घंटे में 360 डिग्री चल रहा है 12 घंटे में, तो 1 घंटे की अगर बात करेंगे तो 1 घंटे में चलेगी 30 डिग्री, ठीक, आसानी से आप निकाल सकते हैं 1 घंटे में 30 डिग्री भाग दिया गया। अब इसको मिनट में भी याद रखिएगा, अगर 1 मिनट की बात करेगा तो ये 1 मिनट में चलेगा 1/2 डिग्री या फिर आप इसको समझ लीजिएगा 0.5 डिग्री। अब इसमें अगर कभी और भी कोई चीज मिलती है घुमा करके, जैसे मान लीजिए इसको सेकंड में ना पूछ करके घंटे में पूछे तो आप कन्वर्ट कर लेंगे, इतनी इतनी सी चीज़ याद रखिएगा। चाहे तो आप खाली एक पॉइंट, सीधी सी बात है, इतना याद रखिएगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है और घंटे की सुई 1 घंटे में 300, इसके बाद ये मिनट, अच्छा ये सेकंड वाली ना, सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है ना, और मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है और घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है। अगर ये चीज याद रहेगी तो बहुत से क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे, ठीक। अब चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट, अब यहां से हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, या फिर क्वेश्चन से पहले आप यहाँ पे जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा उसका कंक्लूजन लिख लेते। देखिए अगर बात करेंगे मिनट एंड या सेकंड से शुरू करते हैं, अगर बात हम लोग करेंगे सेकंड हैंड की, सेकंड हैंड मतलब सेकंड की सुई, अगर सेकंड हैंड की बात करेंगे तो ये 1 मिनट में 360 डिग्री चलती, इसको याद रखिएगा। अगर ये इसके इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेकंड में चलेगा 6 डिग्री,
इस डेटा को याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब यहीं पर अगर बात करेंगे मिनट हैंड की, अगर मिनट हैंड की बात करेंगे तो मिनट हैंड की कहानी क्या है, ये देखिए 60 मिनट में या फिर आप इसको कह लीजिएगा एक घंटा कह लीजिएगा, एक घंटे में 360 डिग्री चलती है ना। अब अगर इसके इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक मिनट में आ जाएगा 6 डिग्री, एक मिनट में 6 डिग्री चलेगा है ना। अब इसको सेकंड में अच्छा अगर कन्वर्ट करना तो एक सेकंड की अगर बात करेंगे तो एक सेकंड में हो जाएगा 1/10 डिग्री, ठीक। इसके बाद अगर यहीं पर आवर हैंड की बात करेंगे कि घंटे की सुई कैसे चलती है, तो आवर हैंड चलती है 12 घंटे में 360 डिग्री। तो एक घंटे की बात करेंगे तो एक घंटे में 30 डिग्री, और अगर एक मिनट की बात करेंगे तो एक मिनट में 1/2 डिग्री। ये चीजें अगर आपको याद रहेगी तो आगे आपको क्वेश्चन बनाने में काफी आसानी होगी। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए आपको कोई टाइम दिया जाएगा, जैसे मान के चलिए ऐसे पूछेगा कि आपके घड़ी में 12 बजे है, ठीक, या फिर 12, 1, 2, 3 कुछ भी दिया जाएगा ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान के चलिए ऐसा एक क्वेश्चन बन जाएगा कि घड़ी में 4 बज रहे है ना, 4 बज रहे है ना, 4 बजे। आपको बताना है कि मिनट और घंटे है ना कि सुई के बीच बनने वाला कोण क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेगा कि 4 बज रहा है, 4:30 बज रहा है, 5 बज रहा है, जो भी एक निश्चित समय दिया रहेगा, और उसमें पूछेगा कि इसके सुइयों के बीच कोण। तो देखिए जब भी सुइयों के बीच का कोण पूछेगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि एंगल हमें घंटे और मिनट के सुई के बीच देखना है, सेकेंड के सुई का यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। तो हम लोग देखिए 4 बजने की स्थिति क्या है। अगर हम एक घड़ी यहाँ पर बनाए, रुके मान लीजिएगा यहाँ पर हम एक घड़ी ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक, यहाँ पर एक ये सर्कल हो गया। अब इसमें देखिए इसको अब मान लीजिए 12 बज रहे, यहाँ पर 3 है, ये 6 और यहाँ पर 9। देखिए ये 4 का मतलब यहाँ पर 4 होगा। अब देखिए 4 बजने की परिस्थिति क्या होगी, 4 बजने की परिस्थिति है कि जो मिनट वाली सुई होगी ये यहाँ पर होगी है ना, मिनट वाली सुई ऐसे होगी 4 पर, और जो अपनी घंटे वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई 4 पर होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी ऐसे 12 पर होगी है ना, और सेकेंड वाली सुई का पता नहीं है ना। देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बीच बनने वाला कोण कितना होगा, ठीक। अब देखिए बीच बनने वाला कोण कितना होगा, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, अब इसका बेसिक फार्मूला भी है, बाकी आप इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे देखिए ना, जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई है ना, एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का है ना। तो अब यहाँ पे ये कितने घंटे चलिए, 12 से देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पे मतलब 1, 2, 3 और ये 4 घंटे चलिए, 4 घंटे चलिए, तो 4 घंटे में 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो अभी हम लोग सॉल्व कट फार्मूला सब कुछ समझेंगे है ना। तो यही चीजें देखिए, अब इसमें 2 तरीके का कोण मिलेगा, एक ये अंतः कोण और दूसरा बाह्य कोण, दोनों मिलते हैं। तो इसमें आपको परेशान होने या ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक एक करके अभी हम लोग सब चीज को क्लियर कर लेंगे, कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं कि इनके बीच बनने वाला कोण कितना होता है, ठीक। चलिए तो कोण निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। ये फार्मूला देखिए, अलग अलग ट्रिक अलग अलग फार्मूला होता है, मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा। जितना भी कोण होगा, थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 into hour है ना। इसका मतलब क्या, आप इसको समझाते हैं थोड़ा एक क्वेश्चन से है ना। ये फार्मूला सीधा सीधा याद रखिएगा, इसमें आपको फार्मूला याद रखना है। अब कई बार आप इसको देखेंगे तो इस चीज़ को मतलब अलग अलग रूप में लिखा रहता है, कई बार ये 30 into hour को पहले लिखा रहता है, इसको बाद में लिखा रहता है। इसको अगर आप पूरा यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो जो 30 है ये 30-60 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे आप इसको इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे इसको क्या लिखा जाएगा, 11 मिनट माइनस 60 आवर बटे 2 है ना। कहानी समझ में आ रही है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो 30 आवर दिख रहा है, 30 आवर का मतलब क्या है, यहाँ पे जब इसको अलग अलग करेंगे तो भाग हो जाएगा। अब कई बार ना इसी फार्मूले में 30 आवर को पहले कर देते तो ऐसे लिखा रहता है, थीटा इज इक्वल टू 60 आवर माइनस 11 मिनट और बटे 2, और इसको ओपन करके इसको भी मतलब साइड में 30 आवर को पहले कर सकते हैं। देखो इन सब फार्मूलों से बस खाली इतना सा फर्क आएगा कि जो आपका आंसर होगा ये प्लस माइनस में दिखेगा। तो प्लस माइनस दिखने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके जो विकल्प मिलेंगे ना वो एक ही रहेगा, या तो प्लस का रहेगा या तो माइनस का रहेगा। तो आप इन सब फार्मूले को याद रखिएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे मान के चले मैंने क्वेश्चन रखा कि 5:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा है ना, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन मतलब एंगल जो बनेगा ये कितना होगा। देखिए अब यहाँ पे 5:20 की बात हो रहा है, देखिए जो घंटा है, घंटा क्या है, एच की वैल्यू है 5 है ना, और जो मिनट मतलब मिनट की वैल्यू है, मिनट की वैल्यू कितनी है 20, ठीक। अब यहाँ पे आपको कोण निकालना है तो आप आसानी से कोण निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है, आप फार्मूले में रखिएगा, थीटा इज इक्वल टू देखिए 11/2 मिनट की वैल्यू है 20, ठीक, माइनस, अब यहाँ पे माइनस करना है 30 है ना मतलब 30, और इनटू आवर की वैल्यू है कितनी 5, आप इसको सेट कीजिए। अब इसको यहाँ पे काटेंगे तो आपका आ गया कितना, देखिए 10 आ गया, 11 धाम 110
110 और माइनस 30 पंचे 150, तो 150। अब यहाँ पे आंसर आ गया माइनस 40 डिग्री। देखिए माइनस 40 आ रहा है, तो माइनस 40 से आपको परेशान नहीं होना, माइनस और प्लस बस ये स्थिति बताएगा कि जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई को पार कर चुका है या फिर पीछे है। जैसे देखिए अब यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, मतलब जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से पीछे है। पीछे होने का मतलब ऐसे समझिए, 5:20 को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, देखिए जो घंटे वाली सुई होगी वो 5 पर होगी, है ना, 5 पर होगी, और मिनट वाली सुई 4 पर होगी, है ना, 4 पर होगी। तो यहाँ पे देखिए मिनट वाली सुई पीछे, इस माइनस का मतलब है। तो देखिए यहाँ पे 40 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। तो ये चीज आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब इसका स्मार्ट ट्रिक क्या है, सॉल्व ट्रिक क्या है, इसकी हम बात करते हैं। इसको हमेशा 40 डिग्री ही आपको याद रखना है, माइनस 40 में लेकर नहीं जाना है ना। इसी क्वेश्चन को अगले स्लाइड पर सॉल्व करते हैं। देखिए आपने जब फार्मूले से इसको कैलकुलेट किया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, देखिए 5:20 था, है ना, और आपको ये बताना था कि इसके बीच का एंगल क्या है। तो आपका आंसर आ गया 40 डिग्री, है ना, माइनस 40 पर आपको नहीं जाना। देखिए या तो आंसर 40 डिग्री मिलेगा, अगर 40 नहीं होगा तो इसको 360 से माइनस किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 4 विकल्प होता उसमें 40 नहीं दिखता, है ना, तब उसमें क्या करते आप इसको 360 से माइनस कर देते। जैसे माइनस करते 360 से तो आपको मिल जाता 320, और 320 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होता। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी निकाल लेते, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनती, है ना। देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या, अगर इसकी स्मार्ट ट्रिक की बात करेंगे तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए आपके घड़ी में 5:20 हो रहा है, 5:20 हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज अगर आपसे पूछे कि घंटे की सुई कहाँ पर होगी, आवर एंड कहाँ पर होगी, तो आप बोलेंगे 5 पर, ठीक। और मिनट एंड मतलब जो मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ पर होगी, आप बोलेंगे 4 पर। देखिए एक मिनट जो मतलब आपने घड़ी देखा होगा, जैसे अगर ऐसे घड़ी की बात करें, मान लीजिए आप यहाँ पर घड़ी देख रहे हैं ना, जैसे ये 12 बजे है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। देखिए 12 से 1 के बीच में 5 मिनट होता है, 1 से 2 के बीच में 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे 4 पर आएगा तो 20 मिनट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता है कि यहाँ पर आपको कितने डिग्री का कोण दिखने वाला है, जब ये 20 पर होगा तो 20 पर होने का मतलब है कि मिनट वाली सुई 4 पर है। तो अब देखिए ट्रिक क्या कहता है, आपको सीधा सीधा ऐसे लिखना है, एक सुई 5 पर है, एक सुई 4 पर है, दोनों के बीच में कितने सब घंटे का फर्क है, 1 घंटे का। तो 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनेगा, 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री बना। अब यहाँ पे आपको या तो प्लस करना होगा या तो माइनस करना होगा। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या चीज आपको मिलेगा। देखिए अगर ये जैसे यहाँ पे आपने 5 लिखा है, 4 लिखा है, ठीक। अब इसमें समझिएगा, अगर ये जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई को पार कर लेगा, पार कर लेगा, जैसे 5 है, मान लो ये 6 पर होता, तब आप वहां पे माइनस करते और पीछे छूटा है तो प्लस करेंगे। देखिए आपको समझ में आ रहा है ना क्या चीजें चल रही। देखिए जैसे ये 5 पर है घंटे वाली सुई और 4 पर है मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई कहां पर है, पीछे है, तब आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर आगे निकल जाएगा तो माइनस करेंगे, लेकिन प्लस या माइनस करेंगे क्या, इस बात को समझते। तो जो प्लस और माइनस किया जाना है वो क्या किया जाना है, ये जो मिनट है उसी का आधा, जैसे मिनट 20 है तो 20 का आधा इसमें 10 जोड़ देंगे, तो 30 प्लस 10 आपका ये आ जाएगा 40। तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, जबकि यही आपका आंसर आया था। इसी चीज को ना हम लोग एक आध दो और क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं ताकि चीजें बेहतर हो जाए। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा 7:45, है ना, इसमें आपको बताना है कि इसके बीच का कोण क्या बनेगा, है ना। 7:45 के अगर कोण की बात करेंगे तो देखिए क्या परिस्थिति होगी। आप पहले अगर फार्मूले के साथ जाएंगे तो आप लिखेंगे 11/2 माइनस 30 आवर। आप इस फार्मूले को यूज करेंगे तो आप लिखेंगे 11/2, मिनट की वैल्यू है 45 माइनस 30 और गुड़े आवर, आवर की वैल्यू है 7, है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे गुड़ा करेंगे तो आपको मिलेगा 495, है ना, 11 और 45 का गुड़ा हो जाएगा, माइनस देखिए 210 और 210 में 2 का गुड़ा कराएंगे तो 420 और बटे में 2। अब इसको हल कर लेंगे तो आपको मिलेगा 75/2, और 75/2 कहने का मतलब है 37.5 डिग्री, आपको इतना कोण मिल रहा है, आपने ये कैलकुलेशन किया। अब इसी 7:45 को हम लोग ट्रिक के साथ कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए ट्रिक के साथ कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, जब 7:45 हो रहा होगा तो जो घंटे वाली सुई वो 7 पर होगी, है ना, और मिनट वाली सुई इस समय ये थोड़ा सा बोल्ड हैंग कर रहा है ना, इस वजह से ये चीजें अप डाउन आपको दिख रही है, पीछे भी दिखा होगा, तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिए घंटे वाली सुई किस पर है, 7 पर है, घंटे वाली सुई 7 पर, और मिनट वाली सुई देखिए 45 हो रहा है, 45 कहने का मतलब मिनट वाली सुई किस पर होगी, 1 पर होगी, तो 5 मिनट का मतलब 5 मिनट आएगा, तो यहाँ पे देखिए 45 मतलब ये 9 पर होगा, ठीक। दोनों के बीच में कितने घंटे का समय, 2 घंटे का, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में 60 डिग्री। अब देखिए ये जो 9 पर है ना, ये 7 से आगे निकल चुका है, आगे निकल चुका है, तो माइनस करेंगे। अब माइनस क्या करेंगे, 45 का आधा, 45 का आधा कितना होता है, 22.5। अब 22.5 को माइनस करेंगे, जैसे 22.5 को माइनस करेंगे तो 37.5 डिग्री आपको मिलेगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे आप स्मार्ट तरीके से कितने आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, ये बोर्ड थोड़ा सा ज्यादा हैंग कर रहा है, मतलब मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा सब फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ऐसे बोल दिया गया कि बताइएगा 9 बजकर
55 मिनट है ना, इसके बीच का कोड क्या होगा? तो 9:55 की बात करेंगे तो इसमें देखिए दो तरीके आपके पास है। पहले बेसिक तरीका आप लिखेंगे 11/2 है ना, 11/2 मिनट माइनस 30 आवर है ना। अब ये कैलकुलेट करना, देखिए 11/2 मिनट, अब यहाँ पे रखेंगे देखिए 11/55/2 माइनस 30 × 9, ये कैलकुलेशन अब होगा। देखिए यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे तो 550 पर 550 में 55 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 605 और माइनस देखिए 9 × 27 का मतलब कितना हो जाएगा 270, 270 में 2 का गुणा कराएंगे तो मिलेगा 540 है ना, 540/2। अब यहाँ पर अगर आप इसको घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये 65/2। अब 65/2 का आधा करेंगे तो 32.5, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इस कैलकुलेशन से बचना चाहते तो स्मार्ट ट्रिक अप्लाई कीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर 9 और ये 55 का मतलब 11, ठीक, ये परिस्थिति बनेगी दोनों के बीच 2 घंटा है ना, 2 घंटा मतलब कितने अंश, 60 डिग्री है ना। अब माइनस करेंगे 11, देखिए ये आगे है तो कितना माइनस करेंगे 55 का आधा मतलब 27.5, 27.5 माइनस करेंगे तो 32.5 मिलेगा, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक, और भी आगे क्वेश्चंस को समझते, देखिए कोई भी समय आप इसमें रख सकते, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जैसे मान के चलिए मैंने आपके सामने कोड रख दिया समय रख दिया 9:15 है ना, इसमें बताना है कि आप बताइए कितना होगा है ना। देखिए 9:15 की बात करेंगे, देखिए 9:15 की बात करेंगे तो आप सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करेंगे 11/2 मिनट माइनस 30 आवर। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। मैं सीधा स्मार्ट ट्रिक के साथ इसको देखता हूँ। देखिए अगर स्मार्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे 9 पर और यहाँ पे 15 का मतलब किस पर होगा, 3 पर है ना, दोनों के बीच कितने डिग्री और कितने घंटे, 6 घंटे, 6×30 है ना, 180 आ गया। अब देखिए ये पीछे है, मतलब 9 से पीछे, तो आप प्लस करेंगे कितना प्लस करेंगे, 15 का आधा 7.5, तो 180 और 7.5 तो 187.5, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो आपको मजा भी और आ रहा होगा और चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी है ना, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बन रही होगी, आप एकदम बेहतरीन तरीके से इसका मजा ले रहे होंगे है ना। आपको कोई समस्या तो फिर बताइए दोस्तों, कोई समस्या नहीं। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जितना भी समय हम लिख रहे हैं सब 5 के मल्टीपल है, अगर क्या होगा 5 का मल्टीपल नहीं आएगा तब क्या करेंगे, तो उसका भी तरीका है। चाहे तो अब देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे 4:00 मैं एक समय रखता हूँ 32 मिनट है ना। अब मैंने ये बोल दिया कि 4:32 की परिस्थिति क्या है, इसमें कितना एंगल बनेगा ये बताइए। तो अगर बेसिक से करना है तो बेसिक में आप अप्लाई करेंगे 11/2 मिनट माइनस 30 आवर। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 11/2 देखिए 11/2 × 32 और माइनस 30 × 4, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए इसको काट देंगे 16, यहाँ पर 176 माइनस है ना, माइनस देखिए 30 × 4 = 120, जैसे 120 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56 डिग्री। तो जो बनने वाला कोड है 56 डिग्री का है, तो एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका क्या, चलिए इसको स्मार्ट तरीके से भी समझकर हम लोग देखते हैं कि स्मार्ट तरीके से इसका आंसर क्या आएगा। देखिए अब स्मार्ट तरीके की अगर बात करेंगे तो देखिए 32 है ना, अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी समझिएगा आप इसको ना, मतलब 5 के मल्टीपल पे मानिएगा। देखिए मान लीजिए कि आपके घंटे की सुई 4 पर है ना, मिनट की सुई ना 32 नहीं 35 पर मान लीजिएगा। ये देखिए बोल्ड हैंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, रुके आप ये क्या हो रहा है, आप इसको 35 पर मान लीजिएगा। अभी आपने 35 पर माना तो कितना मिनट आप आगे किए, 3 मिनट आगे किए है ना, इसको दिमाग में रखिएगा अभी आगे काम आएगा। ठीक, अब देखिए जब 35 पर आपने मान लिया तो क्या परिस्थिति बन रही, देखिए यहाँ पर परिस्थिति ये बन रही कि 4 पर होगा और ये 7 पर चला जाएगा, दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, 3 है ना, 3 मतलब 90। ठीक, 90 आपने लिखा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 90 अंश का हो जाएगा माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये आगे है ना, कितना आगे है देखिए। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए 18 तो आपने पहले से लिया था तो 18 उसको भी शामिल करेंगे और 32 का आधा कितना होता है, 32 का आधा होता है 16 है ना, तो इसको आप जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 34, 90 में से 34 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 56 डिग्री। देखिए इसमें किया क्या गया समझिए, 32 पर था आपने इसको आगे बढ़ाकर 35 मान लिया है ना, आप इसको 30 भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, आपने 35 मान लिया। अब जब आपने 35 माना तो देखिए क्या हो गया, 4 पर चला गया, 7 पर चला गया, दोनों के बीच 3 घंटे मतलब 90 अंश का कोण बनेगा माइनस। अब देखिए आपने 18 इसको आगे बढ़ाया, 3 मिनट का मतलब देखिए आपको पीछे मैंने बताया था ना कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा, तो 3 मिनट में 18 डिग्री आपने इसे एक्स्ट्रा माना था, इसे तो निकालेंगे ही निकालेंगे और साथ में आगे जाने के कारण 32 का आधा 16 को भी निकालेंगे तो 56 आपका आंसर सही बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एंगल निकाला जाता है किसी भी समय के बीच का। अब यहाँ पे कुछ टाइम आपको हम क्वेश्चन के तौर पर दे रहे हैं, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 समय मान लीजिए 12:00 देखिए ये 12:40 है, आप सुन लीजिएगा, देखिए 12:40 एक समय ये निकालना है ना, दूसरा समय 11:28
है ना, और तीसरा समय मान लीजिएगा 9 बज रहा है। तो ये तीन समय इसमें आपको बताना है कि इसके बीच का एंगल क्या बनेगा, आपको कमेंट करना है। इस प्रकार के वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आज की क्लास में बोल्ड की वजह से थोड़ी सी समस्या हुई, उसके लिए सॉरी।